साउथ का सिनेमा हर दिन के साथ अपनी मजबूत कहानियों और शानदार डायरेक्शन से दिल जीत रहा है, जिसकी मिसाल 2021 में रिलीज हुई मिन्नल मुरली और जय भीम जैसी फिल्में हैं। साल 2022 में साउथ के सुपरस्टार पैन इंडिया बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पिछले साल के टॉप फिल्मों की सूची में तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों का ही वर्चस्व कायम था। आइए एक नजर डालते हैं 2022 की साउथ सुपरस्टार जूनियर NTR रामचरण प्रभास, विजय देवरकोंडा और यश की फिल्मों पर, जो बॉलीवुड सितारों को कड़ी चुनौती देने वाली हैं। विजय देवरकोंडा लाइगर के साथ धूम मचाने जा रहे हैं। फिल्म एक्शन से भरपूर रहेगी और इस फिल्म में वह MMA फाइटर के रूप में नजर आएंगे। फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे भी हैं और यह फिल्म हिंदी समेत कई अन्य भाषाओं में भी रिलीज होगी। प्रभास 2022 में कई फिल्में लेकर आ रहे हैं। यह अधिकतर फिल्में पैन इंडिया हैं, जिसमें राधे श्याम, सालार और आदि पुरुष शामिल हैं। इन सभी फिल्मों में प्रभास के अलग अलग अंदाज देखने को मिलेंगे। यश की सुपरहिट फिल्म KGF का पार्ट 2 आने वाला है। KGF चैप्टर 2 में उनके साथ संजय दत्त भी नजर आएंगे और इस बार एक्शन पहले से भी ज्यादा शानदार देखने को मिलेगा। रामचरण SS राजमौली की RRR में रामचरण को धांसु अंदाज में देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म को 7 जनवरी को रिलीज होना था, लेकिन इसकी रिलीज को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। RRR में रामचरण के साथ जूनियर NTR भी नजर आएंगे। दोनों के एक्शन सीन खूब पसंद किए जा रहे हैं और फैंस को इंतजार है तो बस फिल्म के रिलीज होने का।